समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 49वां जन्मदिन है। अखिलेश यादव के इस मौके पर यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा में 1 से 5वां स्थान पाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश ने कहा है कि हम तो कुछ ही लोगों को लैपटॉप दे सकते हैं, सरकार चाहे तो सभी बच्चों को लैपटॉप दे सकती है, तो वहीं सरकार को बच्चियों को स्कूटी भी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसके जरिए सरकार को याद दिला रहे हैं कि वह अपना वादा निभाए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज भी कसा और कहा कि हमने मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया है, अब योगी सरकार स्कूटी देगी या नहीं या तो आने वाला समय बताएगा। अखिलेश ने साथ में ये भी कहा है कि सरकार हमारी नहीं है, हमने तो कुछ लोगों को ही लैपटॉप दिया है, सरकार याद करे, अपने वादे को पूरा भी करे। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मेधावी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, जो मेहनत करते हैं उन्हें फल ज़रूर मिलता है, अपने परिवार और समाज का मान सम्मान बढ़ाया, आपने परीक्षा दी, मेहनत की और आज टॉप किया, आप टॉपर हैं, आपसे समाज को बहुत उम्मीद है, समाज की सेवा करें और अपने सपनों को भी पूरा करें, जो परिश्रम करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व सीएम अखिलेश यादव को जन्मदिन पर बधाई दी। पिछले साल योगी आदित्यनाथ ने फोन पर अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी थी। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी, हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था। तो वहीं आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।